गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी महाशिवरात्रि। 9 o'clock हो चुका है और मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी माय मॉर्निंग मेकअप लुक। और आज है महाशिवरात्रि तो थोड़ा सा तो तैयार होना बनता है। तो सबसे पहले मैंने जो फेस में लगाई वो है टोनर, और टोनर लगाना मस्ट। तो सबसे पहले मैंने टोनर यूज़ किया, ये ग्रीन टी टोनर है और ये मैं बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ, सच में बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने क्रीम यूज़ किया निविया सॉफ्ट का, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत साल से यूज़ कर रही हूँ उसको, तो बहुत अच्छा क्रीम है। तो उसके बाद एक मॉइस्चराइजर चाहिए, मतलब टोनर के बाद। तो टोनर के बाद मैंने निविया सॉफ्ट क्रीम लगाई। उसके बाद मैं अभी लगाई सनस्क्रीम, और ये न्यूट्रीजना का सनस्क्रीम है, ये भी बहुत अच्छा है सच में। तो सनस्क्रीम तो मॉर्निंग के लिए बेस्ट होता है, तो ये तो लगाना ही चाहिए, तो वो भी लगा ली। अभी मैं लगा रही हूँ काजल, और ये हिमालय का काजल है। तो डेली बेसिस में ये काजल ना बहुत अच्छा होता है, एकदम क्रीम थिकनेस है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब डेली के लिए आप यूज़ कर सकते हो, कोई हार्मफुल नहीं है। तो मैं इस तरह का यूज़ करती हूँ काजल। और इसके बाद मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, और ये लोटस का रेड लिपस्टिक है। और ये आज पूजा है महाशिवरात्रि का, तो अभी मैं घर पे पूजा करूँगी तो थोड़ा सा रेड लुक तो अच्छा ही लगता है। अभी मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। तो ऐसा क्या होता है, जब भी मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ ना तो थोड़ा सा स्वेट आ जाते हैं गर्मी के टाइम पे। तो हल्का हल्का जिधर में जो स्वेट लग रहा है हाथों की मदद से मैं थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ, तो एक अलग ही टचअप फील आता है, मतलब फेस एक अलग लुक आ जाते हैं। उसके बाद एक रेड कलर का बिंदी, और आप देख ही पा रहे हो रेड और वाइट, सॉरी रेड और येलो का कॉम्बिनेशन में साड़ी और ब्लाउज़ पहनी हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रेड लुक दे रही हूँ अपने फेस को भी। तो चलिए अभी बारी है सिंदूर लगाने के लिए, तो इसके बिना तो मैं अधूरी हूँ। तो ये मेकअप जितने भी मैं कर लूँ, लेकिन सिंदूर के बिना एक हाउसवाइफ अधूरी लगती है। तो अभी मैं इसको अच्छे से, मतलब इस तरह से वी शेप में देने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं हो पा रही या नहीं, तो आप देख ही पा रहे हो। ऐसे तो मेरे पास ये वी शेप का एक छल बोलते हैं जो लगाने वाला वो था, लेकिन वो गुम हो गया। चलो कोई बात नहीं है, सिंदूर जैसे भी लगाओ लेकिन मांग में लगाना चाहिए। तो अभी हो गया मेरा मेकअप, ये है मेरा फाइनल लुक। तो अभी बाल थोड़ा सा गीला है, सूखने के बाद मतलब क्लिप या कैचर कुछ लगाऊंगी। और ये येलो कलर की मैंने साड़ी पहनी हूँ आज, उसके साथ रेड ब्लाउज। तो कैसी लग रही हूँ बताना कमेंट पे। तो चलिए अभी पूजा करने जाती हूँ। 9 o'clock हो चुका है और मेरा तैयारी अभी स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली बहुत लेट हो चुका है आज। आज ना हमारे इधर पानी तो बहुत लेट दिया है 8:30 बजे, तो पानी के बिना कुछ काम होगा ही नहीं। जैसे आपको पता है, मतलब भगवान का बर्तन वगैरह उन लोगों को, मतलब भगवान को नहलाना वगैरह जो भी है सब पानी से, पानी थोड़ा सा भी नहीं था, तो पानी आए उसके बाद ही मैं सब काम कर पाई। तो इसीलिए सब कुछ करते करते 10 o'clock हो गया है। और अभी मैं जो भी दिया बत्ती है उसको ठीक से मतलब लगा रही हूँ, दिया कौन सी जगह पे किस तरह से लगाना है। और सबसे बड़ी बात, आप देख पा रहे हो नीचे, ऐसे तो मेरा भगवान अभी ऊपर लगा हुआ है, लेकिन आज मैं भोलेनाथ को नीचे बिठा दिया है, क्योंकि ऊपर खड़े होके पूजा करने से वो मज़ा भी नहीं आते है। और मुझे लगता है भगवान को ना फीलिंग नहीं आती है, मतलब एक पूजा करने का अलग ही फीलिंग आता है, वो नहीं आती है। तो इसलिए मैंने भगवान को नीचे रख दिया है, और भोलेनाथ का पूजा तो आज नीचे ही होने वाले हैं। अच्छे से थोड़ा सा फूल वगैरह से मैं डेकोरेट किया है मेरे भोलेनाथ को। और अभी फ्रूट्स वगैरह जो भी लेके आई हूँ उसको भी धोना है, वो सब निकाल के रख रही हूँ। और उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे, तो मैं बेटी और उसके साथ मेरे साथ पति भी रहेंगे, तो हम तीनों जन ही पूजा करेंगे। और मैं घर पर ही शिव, मतलब महाशिवरात्रि का जो उपास है वो भी पूजा भी करती हूँ, और उपवास का जो नियम है सब कुछ मैं घर पे ही करती हूँ। मंदिर तो पहले जाती थी, लेकिन अभी लॉकडाउन है तो उसके वजह से मंदिर तो नहीं जा पाऊँगी, तो घर पे ही करती हूँ ज़्यादातर करके मैं।
चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी महाशिवरात्रि। तो आज है शिवरात्रि और मैं जस्ट अभी पूजा करके उठी हूँ और उसके बाद लंच भी करना है तो बनाना है और तो फिर मिलती हूँ लंच पे आप लोगों के साथ। आज कुछ स्पेशल नहीं, समथिंग कुछ दाल चावल बनेगा, सो जो भी बनेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और चलिए अभी पहले मैं पूजा का जो प्रसाद वगैरह है वो फिनिश कर लेती हूँ, मतलब सबको देती हूँ, बांट लेती हूँ और उसके बाद मैं भी थोड़ा सा प्रसाद लूँगी, उसके बाद ही फिर व्रत तोड़ेंगे। और मेरा आज कुछ नहीं खाना है कि मैं एकदम शाम को ही खाऊंगी। आज तीन पहर मतलब जल चढ़ाना है तो आज अभी सुबह का हुआ है, दोपहर का और रात का। तो गाइस अभी मैं जस्ट किचन में आई हूँ और अभी 11:30 बज चुके हैं। तो अभी मुझे बनाना है मेरे हस्बैंड के लिए लंच और मेरी बेटी के लिए। तो आज तो मेरा फास्ट है लेकिन उन लोग तो खाने वाले हैं, तो इन लोगों के लिए मैं अभी दाल और पालंग की सब्ज़ी बनाऊंगी। एक्चुअली बहुत लेट हो चुके हैं तो और कुछ नहीं बना सकती, तो जल्दी में यही ऑप्शन मेरे लिए बटर लगा। और दाल को मैं पहले उबल के रख दिया था तो उसको ही अभी मतलब मूली डाल के, आप लोग खाते हो क्या पता नहीं, हम लोग में है ना मूली डाल के भी कभी कभी दाल बनाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है, अड़हुल की दाल, तो वो दाल मैं अभी बना रही हूँ। और उसके बाद मैं अभी मतलब जो पालंग है उसका पत्ता वगैरह वो भी क्लीन करना है तो वो सब करूँगी और उसके बाद ही फिर स्टार्ट करूँगी प्रॉपरली लंच। तो दाल बन के रेडी हो चुका है, मैं थोड़ा सा ही दाल बनाई आज, रात को थोड़ा कुछ अलग बनाऊंगी। और चावल मैंने दो टाइम का बना लिया है पहले ही, वो ये खुड़ा चावल है तो मैंने दोनों टाइम का लिए बना लिया है। और ये पालंग इसको भिगो के रखी हूँ 10-15 मिनट के लिए। और ये बैंगन और थोड़ा सा बर्तन है उसको भी क्लीन करना है तो भी धोऊँगी अभी। Thank you.
कढ़ाई गर्म हो चुका है, अभी मैं ऑयल डाल रही हूँ और ये मस्टर्ड ऑयल है। एक्चुअली ऑयल ख़त्म हो चुका है तो मैं अभी दूसरे डब्बे में डालूँगी, तो थोड़ा सा ही था इसमें तो वही ऐड मतलब कढ़ाई में डाल रही हूँ। और उसके साथ 5 फोड़नी मैं फोड़नी लगाने के लिए डाल रही हूँ और 1 सूखा मिर्च। तो अभी मैं साग को तड़का लगाऊंगी, तो जो भी बैंगन मैंने छोटा छोटा करके कट किया था वो पहले थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करूंगी 1-2 मिनट तक, और उसके बाद पालंग को अच्छे से पानी निचोड़ के डाल दूंगी। तो पानी निचोड़ने के लिए मैं थोड़ा सा वो झरने वाला बर्तन आते हैं ना उसमें रखा था, तो पानी पूरा अच्छे से निचोड़ गया है। ऐसे भी पालंग में बहुत मॉइस्चराइजर रहते हैं, तो जब भी आप खाना मतलब बनाओगे पालंग तो बहुत सारे पानी ऐसे छोड़ जाते हैं। अभी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, तो एकदम सादा वाला पालंग की सब्जी बनेगा। और उसके साथ दाल और चावल, एकदम सिंपल सा खाना, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और अभी ना 12 भी बज चुके हैं, तो मेरे हस्बैंड को दुकान जाना। हालत देखिए बिस्तर का, तो अभी मुझे बेडशीट को क्लीन करना है और उसके बाद लंच मतलब लंच का तो तैयारी हो गया है, तो लंच देना है इन लोगों को। और मैं तो एकदम काले खाना मतलब कुछ खा पाऊँगी, सुबह के शाम के टाइम पे थोड़ा सा पानी फ्रूट्स वगैरह लूँगी। तो चलिए इसको क्लीन करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। फाइनली ये लुक मतलब मेरे बेड का, और मैंने पिलो कवर नहीं चेंज किया है क्योंकि पिलो कवर रात को चेंज करूँगी सोने के टाइम पे, अभी चेंज करूँगी तो फिर से गंदा होगा, और बेड शीट तो मुझे फिर से चेंज करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने अभी वाइट वाला डाली हूँ। पालंग की सब्जी और बन के रेडी हो चुका है, और बैंगन को मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा काटा था मतलब थोड़ा सा बड़ा साइज के, तो ये जब मुँह में आएगा ना पालंग और बैंगन का एक फ्लेवर तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप लोग किस तरह से बनाते हो बताना, ये एकदम बिना मसाला का है, कोई भी खा सकते हैं बच्चे से एकदम बूढ़े तक, सिंपल सा खाना है लेकिन बहुत यमी एंड टेस्टी होता है। मुझे प्यूरेट में भी पानी डालना है, आज प्यूरेट में बना पानी नहीं डालती, और मेरे पास ये छोटा वाला ही प्यूरेट है, इलेक्ट्रिक प्यूरेट हम लोग ने लिया नहीं क्योंकि हम लोग रेंटेड रूम पे रहते हैं जैसे आपको पता है, और रेंटेड में ना इधर उधर भागना ही पड़ता है और उसको निकाल के इधर से उधर लेके जाना तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने छोटा वाला अभी फ़िलहाल लिया है। तो इसमें पानी ऐड करना पड़ता है, ऐसे तो मैंने सुबह एक हंडी दे दिया था तो उसमें आधा दिन चल जाता है मतलब आधा टाइम तो हो ही जाता है, लेकिन आज सुबह ज़्यादा पानी नहीं डाल पाई थी, थोड़ा सा ही दिया था 2-3 बॉटल। अभी फिर से हम लोग को मतलब मेरे हस्बैंड को दुकान पे जाना है और फिर बेबी को भी पीना है,
तो इसीलिए पानी तो चाहिए और इसलिए मैंने पानी डाले। और देखिए राजस्थानी लोग इस तरह से जाते हैं ना कलश लेके, ऐसे तो बंगाली लोग भी कलश लेके जाते हैं। बंगाली में एक रिचुअल है, आप लोग को पता है या नहीं, शादी का शादी के टाइम पे ये कलश देते हैं कमर पे और उसको खड़े रहना पड़ता है बहुत टाइम, पानी से भरा हुआ, इतना छोटा नहीं बड़ा वाला कलश। तो वही आपको दिखा रही थी मैं, ऐसे आपके साथ मजा कर रही थी। और मैंने ना ये ढक्कन किधर रख दिया था वो ढूंढ के नहीं मिल रहा था, फिर फाइनली मिला और ढक्कन लगाई और लाइट आ गई। पता है हमारे इधर आज कुछ तो काम चालू था इसलिए लाइट जा रहे थे आ रहे थे, अभी लाइट आए तो आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। कलश लेके इस तरह से और एक माथे पे और एक कमर पे। चलिए अभी पानी लेके आती हूँ क्योंकि पानी का प्रॉब्लम मेरे इधर बहुत है। और ये पालंग का सब्जी बनके रेडी हो चुका है, अभी इसको भी निकालना है और इसका बर्तन वगैरह भी वो भी क्लीन करना है। अभी तो बहुत टाइम हो चुका है, मेरे हस्बैंड को भूख भी लग गई तो उन लोग को खाना भी देना है और ब्रेकफास्ट एकदम वो लोग ने सादा ब्रेकफास्ट किया है आज, कॉम्प्लेन और कुड़मुड़े यही, और मेरी बेटी ने कॉम्प्लेन और दो बिस्किट, बस इन लोग उनका का हो गया था। और मैंने अभी तक कुछ लिया नहीं क्योंकि प्रसाद लेने के बाद ही मैं कुछ लूँगी और रात को। तो ये है हमारी आज का सिंपल सा मिडिल क्लास लंच, पालंग की सब्जी, दाल और चावल। और मैंने किचन को भी पूरा क्लीन कर लिया है, दिखाती हूँ आपको, पूरा बर्तन वगैरह क्लीन हो चुका है। अभी तो बहुत आ रहा है ना, सो लाइट बंद कर देती हूँ। तो गाइस अभी जस्ट लोका मतलब हमारे नहीं मेरा नहीं हमारे हस्बैंड और मेरे बेटी का लंच हो गया है। सो अभी बस रहे 12:30। तो आज का ब्लॉग मैं एक एंड कर रही हूँ, फिर मेरे टूरेंट ब्लॉग पे कैसे लगा ये मेरे छोटा सा ब्लॉग, आई थिंक सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मुझे कमेंट भी जरूर जरूर बताना कैसे लगा इस तरह का ब्लॉग। तो मैं डोली कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए एक छोटा इस तरह का छोटा छोटा ब्लॉग बनाने के लिए। चलिए आज के लिए तो नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय, टेक केयर एंड हैप्पी मिसिका।